नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट देखा था, टॉपिक सेल था हमारा, ठीक है। ये बायोलॉजी की हमारी सीरीज है, इसको कंटिन्यू करते हुए आज हमारा सेल का पार्ट टू है भाई, ठीक है। पार्ट टू में दोस्तों हम बाकी बचे ऑर्गेनल्स को देखते हैं। देखिए, सेल पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था सेल के बारे में, और सेल के बेसिक यूनिट होती है ये मैंने आप लोगों को बताया था। इसके अलावा हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था कैसा होता है, इसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन देखी थी, सेल वॉल देखा था और न्यूक्लियस देखा था दोस्तों, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं सेल के जो बाकी बचे जो ऑर्गेनल्स है ना। देखिए, कोशिका के अंदर जो जो चीजें हैं वही तो हम पढ़ रहे हैं ना भाई, ठीक है। उन्हीं को कोशिका के अंग कहा जाता है, सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। तो ये बाकी बचे ऑर्गेनल्स आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में आपको बता चुके हैं। चलिए, अब मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। ध्यान से सुनते चले हम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। ये यहाँ पे पहले लिखा मैंने, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा भाई, इंग्लिश और हिंदी सेम है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चले, पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया से। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, ये है हमारी सेल, सेल के अंदर था न्यूक्लियस। क्या था? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन होता है सेल का, और दोस्तों सबसे बड़ा पार्ट होता है सेल का, सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं सेल का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, देखिए ये क्या होता है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, पहला पॉइंट, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, यानी कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा, दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, पहला पॉइंट, ठीक है। चले, सेकंड पॉइंट यहां से ध्यान रखना भाई, आप लोगों को मैंने बताया था न्यूक्लियस के अलावा डीएनए और कहां पे पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप लोग यहां लिखोगे कि यहां पे दोस्तों यहां यहां डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, यहां डीएनए भी पाया जाता है, सेकंड पॉइंट हमने ये पढ़ा भाई, ठीक है। डीएनए वैसे ज्यादातर कहां पे पाया जाता है? न्यूक्लियस से, लेकिन थोड़ा बहुत डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ लिया। थर्ड पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया से क्या पढ़ना है दोस्तों, इसको ना पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अब क्यों कहा जाता है वो अभी पढ़ेंगे, अभी के लिए बस ध्यान रखो। और इसके अंदर ना आप कहोगे एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, या जिसको कहते हैं ऑक्सीसॉप्शन, ऑक्सीसॉप्शन। अब ये क्या होता है, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीसॉप्शन कहाँ पे होता है, सेल के किस पार्ट में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आप लोग लिखोगे एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, समझ आया? चले भाई, यहाँ पे हमने पढ़ लिया एरोबिक रेस्पिरेशन से 36 ATP एनर्जी निकलती है। अब ये क्या है, यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड पॉइंट क्या पढ़े भाई, सेल का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है, यहाँ पे डीएनए भी पाया जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भी पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखिए हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, फूड डाइजेस्ट होता है। आप लोगों को पता है हमारे अंदर वो सारी की सारी चीजें ना कहाँ पे हो रही होती है, वो सेल के अंदर हो रही होती है। हम सांस लेते हैं नाक से, ठीक है, फेफड़ों से, लेकिन फेफड़ों के अंदर भी दोस्तों बहुत सारी सेल है। आखिर में हम वो सेल के अंदर, यानी हमारी सेल के अंदर सांस लिया जा रहा है भाई, समझ आया? और सेल के अंदर भी किस पार्ट में? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो तभी तो मैंने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, आपने आपने सीखा कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वो किस प्रकार होता है वही आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये पॉइंट आप लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। चले, अब मैं इसको रब करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा भाई। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, एक डबल मेम्ब्रेन यहाँ पे पार्ट होता है, ये देखिए, ये ना दोस्तों पहले ध्यान रखना, इसकी ना डबल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की ना डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली होती है। कैसे? अब देखिए बात करते हैं, दोहरी झिल्ली कैसे होती है, एक होती है क्रिस्टी और एक होती है मैट्रिक्स। देखिए ये मान लो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चले, इसके अंदर एक लेयर और होती है दोस्तों, चले ये मैं डॉट डॉट करके बना देता हूं, एक लेयर और होती है, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बाहर वाली जो लेयर है दोस्तों, इसको कहा जाता है क्रिस्टी, ठीक है, क्रिस्टी, ठीक है। इसी प्रकार हिंदी और सेम है, क्रिस्टी को क्रिस्टी ही या वलकुट भी कह सकते हैं आप लोग इसको, वलकुट, ठीक है। और अंदर वाली जो लेयर है इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा कि डबल मेम्ब्रेन होती है किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट ध्यान से सुनना,
इसके अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं दोस्तों, इस प्रकार बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, समझ आया। चले अब आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, जिसने नहीं पढ़ा जाके रेस्पिरेशन आज जरूर पढ़ना भाई, रेस्पिरेशन वाला टॉपिक, ठीक है, सांस लेने वाला, सांस कैसे लिया जाता है मैंने बिल्कुल बारीकी से वहां पे बताया आप लोगों को, ठीक है। यहां पे ध्यान से सुनिएगा भाई, आप लोगों को ना जब भी हम सांस लेते हैं, देखो रेस्पिरेशन किसको कहा जाता है बताओ भाई, जिसको पता है रेस्पिरेशन किसको कहा जाता है, मैंने आप लोगों को बताया था श्वसन किसे कहते हैं भाई, श्वसन सांस लेना और छोड़ना श्वसन नहीं होता, रेस्पिरेशन सांस लेना और छोड़ना नहीं होता, उसको बोलते हैं ब्रेदिंग। क्या बोलते हैं? ब्रेदिंग। रेस्पिरेशन क्या होता है भाई, आप लोगों ने दोस्तों क्या किया भाई, आप लोगों ने ना खाना खाया था, जब आप लोगों का खाना है मान लो C6H12O6 है, ये जो ग्लूकोज है ना दोस्तों, ये आप लोगों का खाना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जाता है, ऑक्सीजन इसको क्या करेगा तोड़ देगा, इस ग्लूकोज को, इस खाने को क्या करेगा तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद यहाँ पे CO2 बन जाएगी और दोस्तों H2O पानी रिलीज होगा, और प्लस में यहाँ पे लिख देता हूँ 36 ATP एनर्जी निकलती है। देखिए ये ATP क्या मतलब क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ ATP क्या होता है, अडीनोसाइन ट्राई फोस्फेट। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये सारा पार्ट आप लोगों का ना रेस्पिरेशन पार्ट का था, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्यों बताया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है, और कैसा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसी को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीसप्शन किसे कहते हैं भाई, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस से, देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ग्लूकोज टूटता है तो वो किस पार्ट में टूटता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, पानी में टूटता है, और प्लस में ना इसी को ATP को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, एनर्जी बोलते हैं, इसी को ऊर्जा कहा जाता है, इसी को क्या बोलते हैं एनर्जी, यानी हमारे शरीर की एनर्जी अगर पूछा जाए क्या होती है तो ATP की फॉर्म में होती है, ये बायोलॉजी में ध्यान रखना, अडीनोसाइन ट्राइफोस्फेट, नाम इंग्लिश और हिंदी सेम है भाई, अडीनोसाइन ट्राइफोस्फेट, समझ आया। ये जो प्रोसेस है ना भाई, ये जो प्रोसेस बताया, ये कहाँ पे हो रहा होता है, ये सेल के पार्ट, इस पार्ट में हो रहा होता है, सेल का ये कौन सा पार्ट है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये माइटोकॉन्ड्रिया ही तो पढ़ रहे हैं भाई, सेल के इस पार्ट में ये सारी चीजें हो रही होती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या आपको समझ आया? तो एरोबिक रेस्पिरेशन से आपसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, आप लोगों से एक क्वेश्चन आएगा कि भाई हम लोग सांस लेते हैं, हमारा सेल के किस पार्ट में ये सारी क्रिया होती है, तो सेल के किस पार्ट में, एरोबिक रेस्पिरेशन सेल के किस पार्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन से कितने ATP एनर्जी निकलती है, 36 ATP एनर्जी निकलती है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को रेस्पिरेशन में करा चुका हूं, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का बताने का मतलब मेरा यही था कि ये प्रोसेस अगर इसके अंदर हो रही है तो भाई देखो ना लास्ट में क्या बन रही है, ऊर्जा, क्या बन रही है यहाँ पे, एनर्जी। तो इसके अंदर लगातार एनर्जी बन रही है, तभी तो इसको एनर्जी बन रही है, और जहां पे एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है, उसी को तो पावर हाउस कहा जाता है, उसी को तो क्या कहा जाता है, पावर हाउस। तो आप अब समझ चुके कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है, आप कहोगे इसको पावर हाउस इससे बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ना एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान 36 ATP एनर्जी निकलती है, यानी ऊर्जा निकलती है, क्लियर है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, बस इतना ही जानना है और ज्यादा कुछ नहीं भाई, ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चले, इसको उतार लेना, नेक्स्ट भाई साथ साथ पढ़ते चलो, ठीक है, उतारते चलना भाई अपनी कॉपी में, नोट्स बनाते हुए चलोगे, साथ साथ नोट्स बनाओगे, अपने हाथों से लिखोगे ना, तब अच्छी प्रकार से समझ में आएगा आप लोगों को। और भाई कमेंट कर दिया करो पढ़ने के बाद, अगर वीडियो समझ में आए, ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, और वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। चलिए भाई आगे देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, राइबोसोम्स। देखिए यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या होता है इसी को हम जानते हैं, देखिए इंग्लिश और हिंदी सेम है, राइबोसोम्स को भी राइबोसोम्स ही बोलते हैं भाई, समझ आया। चले ये बात ध्यान रखना भाई, अब तक हमने पढ़ लिया सबसे बड़ा पार्ट कौन था सेल का, न्यूक्लियस था, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन था, माइटोकॉन्ड्रिया था। ये दोस्तों राइबोसोम्स ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है सेल का, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेल अगर आपसे पूछे ना तो क्या होता है, राइबोसोम्स होता है, क्लियर है भाई, ठीक है, राइबोसोम्स स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेल होता है। चले फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया,
राइबोसोम ना दोस्तों, बस छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पे आप लोगों को, राइबोसोम्स को ना, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था जहां भी शब्द आप लोगों को राइबो मिले ना, जैसे आरएनए था वहां भी आरएनए का मतलब राइबोज था, और राइबोज बायोलॉजी में जहां भी शब्द नजर आए उसका मतलब प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन, ठीक है ना। तो राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। भाई जहां पे देखिए, जहां पे प्रोटीन बनता है उसी को तो प्रोटीन फैक्ट्री बोलेंगे। तो सेल में प्रोटीन कहां पे बनता है? राइबोसोम्स में बनता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। चले अब आगे ध्यान रखिएगा, राइबोसोम्स ना दो प्रकार का होता है, बस छोटा सा पॉइंट था आप लोगों को ध्यान रखना है, एक 70S प्रकार का और एक 80S टाइप का, ठीक है। दो प्रकार का राइबोसोम्स होता है, एक 70S, ये एस क्या है, ये इसकी यूनिट है राइबोसोम्स की, बस ध्यान रखना है आप लोगों को, कुछ नहीं भाई। 70S टाइप का जो राइबोसोम्स होता है ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है बैक्टीरियाज में, यानी बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु में, कहाँ पे पाया जाता है? जीवाणु में। और 80S टाइप का राइबोसोम्स कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भाई ह्यूमन बींग से, ह्यूमन बींग से, या आप लोग कह सकते हैं मैमल से, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए मानव में, यानी हमारे अंदर, हमारे अंदर किस टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है? बस आप लोग ध्यान रखना, 80S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन बनता है। कहाँ पे बनता है? राइबोसोम से बनता है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया, बस यही था राइबोसोम के बारे में और कुछ नहीं भाई, क्लियर है। चले थर्ड देखते हैं, थर्ड देखिए, थर्ड लिखा हुआ है गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी काय क्या होता है? देखिए और सारे छोटे छोटे हैं, एक दो बड़े आएंगे इसके अंदर, ठीक है। चले ये आप लोगों का सेल का पार्ट टू है, और जिसे पार्ट फर्स्ट नहीं देखा ये तभी समझ जाएगा जब पार्ट फर्स्ट देखेंगे, क्योंकि एक अच्छी तरीके से कनेक्टिविटी बनती आएगी भाई, ठीक है। चले थर्ड पार्ट दोस्तों आप लोगों का, थर्ड पार्ट अब लिख देते हैं यहाँ पे, क्या है? गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। अब ये क्या करता है भाई? ये क्या है सेल के अंदर? गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, ये क्या करता है? गोल्जी काय क्या है भाई ये? देखिए ध्यान रखिएगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये गोल्जी बाय, गोल्जी बॉडी। सबसे पहले तो इसको क्या बोलते हैं, इसके नाम बता देता हूं आप लोगों को। इसी को दोस्तों पैकर्स कहा जाता है, पैकर्स ऑफ द सेल। अब ये क्या होता है? पैकर्स का मतलब पैक करने वाला, ठीक है। इसी को बंडल ऑफ द सेल भी कहा जाता है, बंडल यानी बांधने वाला, इसी को बंडल भी कहा जाता है, बांधने वाला। और इसी को दोस्तों देखिए, फादर ऑफ द सेल अगर पूछा जाए ना भाई, फादर ऑफ द सेल तो न्यूक्लियस होता है, और मदर ऑफ द सेल पूछा जाए ना, मदर ऑफ द सेल, मदर कोशिका की मदर किसको कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। अब ये मैंने पैकर्स लिखा, बंडल्स लिखा, ये है क्या भाई? देखिए ये दोस्तों ना, पैकर्स का मतलब है ये देखिए, आप लोगों ने पढ़ा था भाई, ये है हमारी सेल, सेल का ये पार्ट है न्यूक्लियस, और ये था साइटोप्लाज्मा। ये क्या है? साइटोप्लाज्मा, सभी को पता है भाई क्या है। अब आप लोगों को मैंने आरएनए के बारे में बताया था भाई, आरएनए के बारे में, देखिए आरएनए के बारे में सभी को पता है, आरएनए तीन टाइप का होता था, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए जिसको कहते थे, एक था भाई आरआरएनए, एक था आरआरएनए, और एक था टीआरएनए, एक था टीआरएनए। दोस्तों इसी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। अब ये शब्द इतने सारे नामों से क्यों जानते हैं, अभी वही तो बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, देखिए भाई तीन टाइप का आरएनए पढ़ा था आप लोगों ने, एमआरओटी, एमआरएनए का काम क्या था? ये मैसेज लेके आता था कि भाई इनमें से किसी को प्रोटीन की जरूरत तो नहीं है। मैसेंजर आरएनए का काम तो यही है, मैसेज लाना। ये किसको मैसेज देता था? आरआरएनए को देता था। अब आरआरएनए क्या करता था? वहां पर प्रोटीन बना देता था भाई, प्रोटीन बना देता था। कौन बनाता था? आरआरएनए। अब इसने प्रोटीन बना दिया, जो प्रोटीन बन गया उसको ट्रांसफर कौन करेगा? ट्रांसफर तो करेगा टीआरएनए भाई, कौन करेगा? टीआरएनए उसको ट्रांसफर कर देगा। जिसने आरएनए का टाइप नहीं देखा वो पार्ट फर्स्ट देखेगा पहले भाई अच्छे से, ठीक है। ट्रांसफर कौन करेगा? टीआरएनए। अब ध्यान से सुनो भाई, आरएनए भाई न्यूक्लियस में भी फैला हुआ रहता है और साइटोप्लाज्म भी, यहां वहां बिखरा रहता है, यही तो बताया था मैंने आप लोगों को। मान लो ये इस आरएनए ने भाई ये प्रोटीन बना दिया, ये यहां बना दिया, ये बना दिया, ये सारी जगह इसने क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया भाई। अब ये जो अलग अलग जगह बिखरा हुआ जो प्रोटीन है ना, उसको ये गोल्जी बॉडी क्या करता है? पैक करता है, बंडल करता है, यानी एक जगह इकट्ठा करता है। गोल्जी बॉडी क्या करेगा? इस सारे प्रोटीन को एक जगह इकट्ठा कर देगा। ये मान लो इसने सारा प्रोटीन यहां पर ले आया, अब इसने यहां पे ले आया, तब ये क्या होगा? टीआरएनए क्या करेगा? इसको फिर भेज देगा जिसको चाहिए होगा। यानी कहने का मतलब, इसने गोल्जी बॉडी हेल्प करता है टीआरएनए की,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से ही पूछा जाएगा। भाई देखो टीआरएनए का काम था ट्रांसफर करने का, अगर ऐसे यहां यहां फैला रहेगा प्रोटीन तो भाई ये कैसे कहां से उठा उठा के ट्रांसफर करेगा भाई, जगह एक जगह सारी चीजें हो तो वहीं से तो ये सारी चीजें क्या करेगा, ले भाई ले भाई ले भाई, समझ आया ना। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या था, बस आप लोग समझ गए, इसने पैकेट इसने क्या किया, पैक कर दिया, बंडल कर दिया, यानी एक जगह बांध दिया, इसने बांध दिया तो टीआरएनए क्या करेगा, अब उसको ट्रांसफर कर देगा इजीली। तो आपसे यही क्वेश्चन आता है कि गोल्जी बॉडी किस टाइप के आरएनए की हेल्प करता है, तो ये टीआरएनए की हेल्प करता है, समझा। और इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, भाई माँ आप लोगों की खाना बांधती है, पैक करती है, तो इसलिए इसको मदर ऑफ द सेल भी बोल दिया गया। आई थिंक आप लोगों को गोल्जी बॉडी समझ में आ चुका, बताओ भाई नहीं आया हो तो ठीक है भाई। ये सारी चीजें हो चुकी है आप लोगों की, और कमेंट जरूर किया करो भाई। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों को, अगर वीडियो अच्छी लगे या जैसी भी लगे भाई, बुरी लगे तो बुरा बताओ भाई, समझ आया। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन दे सकते हैं आप लोग कि भाई सर ऐसा करना चाहिए या ऐसा करो और अच्छा लगेगा, ठीक है। आपके सजेशन देख के हमको अच्छा लगता है, ठीक है। और अगर आप कमेंट नहीं देखते तो हमको पता ही नहीं भाई आप वीडियोस देख रहे हैं अभी नहीं देख रहे, ठीक है। चले नेक्स्ट के वैक्यूल्स है भाई, फोर्थ क्या है वैक्यूल्स, जिसको कूपिका या रिक्तिका कहा जाता है। अब इसका काम क्या है ध्यान से सुनो भाई, वैक्यूल्स आ गया चौथा पॉइंट, ठीक है। वैक्यूल्स क्या होता है, जिसको रिक्तिका या कूपिका या कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, रिक्तिकाय। चले सबसे पहले ध्यान से सुनना, रिक्तिकाय क्या है भाई, ये है आप लोगों की सेल, ये क्या है आप लोगों की सेल भाई। और वैक्यूल्स देखो इस टाइप का होता है, ये वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े कहां पे होते हैं, ये बड़े बड़े पाए जाते हैं प्लांट्स में, ध्यान से सुनो। पहले वैक्यूल्स का काम क्या है, इसको क्या कहा जाता है, इसको ध्यान रखना पॉकेट ऑफ द सेल कहा जाता है भाई, पॉकेट ऑफ द सेल, या सेल के देखो सेल के एम्प्टी स्पेस को, सेल के एम्प्टी का मतलब खाली जगह, सेल के खाली जगह को एम्प्टी स्पेस को ही क्या कहा जाता है, वैक्यूल्स कहा जाता है। या आप लोग कह सकते हैं वैक्यूल्स का काम क्या है, वैक्यूल्स का काम है फूड को रिजर्व करना, फूड रिजर्व करना। वैक्यूल्स का काम क्या है, फूड को रिजर्व करना भाई, खाने को। देखिए जैसे कि आप लोगों से अगर पूछा जाए, या इसी को अगर एक नाम से और जाने, इसी को किचन ऑफ दी, सॉरी किचन तो रहने दो भाई, ठीक है ये तो रहने दो, पहले इसी को सुनो भाई एक बार। आप लोगों का जैसे कि पॉकेट होता है ना भाई, पॉकेट में आप क्या रखते हैं भाई, खाली जगह होती है, पैसे आ जाए तो उसमें रख लेते हैं। तो इसी प्रकार वैक्यूल्स क्या होता है, ये सेल है, सेल के अंदर खाली पार्ट होता है एक, और इस खाली पार्ट में क्या होता है, मान लो सेल के पास कभी ग्लूकोज या ऑक्सीजन ज्यादा आ जाए तो ये क्या कर लेगा, इसको ना यहाँ पे फूड को स्टोर करके रख लेता है, और जब भी सेल के पार्ट को किसी को चाहिए होगी तो इस स्टोरेज फूड से उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये लो भाई। तो वैक्यूल्स का काम क्या है, सेल के अंदर, सेल की पॉकेट है जहां पे ये अपना खजाना रखता है, ये कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो वैक्यूल्स का काम क्या है, इसको पॉकेट कहा जाता है सेल की, या सेल के खाली जगह को, इस खाली जगह में ये क्या करेगा, फूड को रिजर्व करके रखता है, समझ आया। और फूड रिजर्व कर लिया इसने, एक बात ध्यान रखेगा यहां पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आप लोगों को। अगर मैं आप लोगों से बताऊं, ये तो सेल के अंदर की बात हो रही है, अगर आप लोगों से मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, एचबी का मतलब ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर भाई, मानव शरीर में खाना, मानव शरीर में फूड स्टोर खाना सबसे ज्यादा, ऑर्गन की बात कर रहा हूं मैं, कौन सा ऑर्गन करता है। देखिए ये सेल है, सेल तो ऑर्गन के अंदर ही तो सेल होता है वैक्यूल्स, मैं यहां पे बात कर रहा हूं कौन सा अंग है जहां पे हमारा खाना स्टोर होता है, तो आप लोग लीवर, यकृत होता है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर का खाना कहां पे स्टोर होता है, लीवर में होता है सबसे ज्यादा, और लीवर ऑप्शन में ना हो तो मसल्स में होता है भाई, मसल्स यानी हमारी मांसपेशियों में, हमारी मांसपेशियों में स्टोर होता है। और दूसरा देखिए, हमने ये तो पढ़ लिया कि यहां पे फूड रिजर्व होता है, एक बात और ध्यान रखिएगा, फूड रिजर्व हुआ ना यहां पे तो किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है, एक शर्करा होती है, क्या होती है, एक शर्करा भाई। आप लोग ये बताओ ना, आप सबसे ज्यादा तो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, अब फिर से जिसने कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन वाला टॉपिक ना देखा तो फिर से आइएगा फर्स्ट वीडियो से, तो ध्यान से तो सुनो, हम सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो सबसे ज्यादा फूड भी कौन सा स्टोर होगा, कार्बोहाइड्रेट ही तो स्टोर होगा, जो कि किसकी फॉर्म में, ये फॉर्म ध्यान रखना ग्लाइकोजन की फॉर्म में।
अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर का खाना स्टोर कहाँ पे होता है, ये तो हमने पढ़ लिया लीवर और मसल्स में, लेकिन पूछा जाए किसकी फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, तो ये फॉर्म ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन क्या है, एक शर्करा होती है, क्या होती है, एक शर्करा, समझ आया। चले सेकंड पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने ह्यूमन बॉडी की बात की, अगर मैं प्लांट की बात करूं, पौधों का खाना कहां पे स्टोर होता है, कहां पे स्टोर होता है, तो आप कहोगे उनकी रूट्स में होता है, उनकी रूट्स में यानी जड़ों में। पौधों का खाना, पौधे अपना खाना कहां पे स्टोर करते हैं भाई, अपने रूट्स में करते हैं, समझ आया, जड़ों में। अब किसकी फॉर्म में, फॉर्म इंपॉर्टेंट है, स्टार्च की फॉर्म में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों का। स्टार्च की फॉर्म में पौधे अपना खाना क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, समझ आया। तो आप लोग समझ चुके वैक्यूल्स, अब एक पॉइंट लिख लेना, वैक्यूल्स बड़े बड़े कहां पे पाए जाते हैं, प्लांट में, तभी तो प्लांट की हाइट क्या है, बहुत बड़ी है, हम छोटे हैं, तो प्लांट में लार्जेस्ट वैक्यूल पाए जाते हैं, लार्जेस्ट वैक्यूल, और हमारे अंदर स्मॉलेस्ट यानी छोटे छोटे वैक्यूल, हमारी छोटी छोटी पॉकेट है, प्लांट की बड़ी पॉकेट है भाई, समझ आया। चले ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी वैक्यूल्स के बारे में, तो इसको पॉकेट एम्प्टी स्पेस कहते हैं, जहां पे फूड ये रिजर्व करता है, और फूड रिजर्व करता है किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। कहां पे करता है, सबसे ज्यादा लीवर में और दूसरा मसल से। प्लांट अपना खाना कहां पे स्टोर करते हैं, रूट्स में यानी जड़ों में, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च भी क्या होता है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है भाई, ये भी एक शर्करा ही है, ठीक है। चले भाई ये हमने अच्छे से जान लिया वैक्यूल्स क्या होता है, चले इसको मैं रब करता हूं। अब आते हैं अपना अगले ऑर्गेनल्स पे, सेल का नेक्स्ट ऑर्गेनल्स जो है वो कौन सा है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब ये क्या होता है भाई, हमने पढ़ लिया किसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, किसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, किसको पैकर से मदर ऑफ द सेल कहा जाता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आप लोगों से यहां से बन जाएंगे, समझ आया। तो बारीकी से पढ़ना भाई, अच्छे से पढ़ना, पढ़ो ऐसा कि दूसरों को पढ़ा पाओ। चले यहां पे एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर बोलते हैं, पहली बात तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, ईआर, यानी अंतर्द्रवी जालिकाएं, ठीक है। इसको बहुत सारी जालिकाएं होती है, अंतःपरद्रवी जालिका इसको बोला जाता है। चले लिख देता हूं अंतःपरद्रवी जालिकाएं, ठीक है, ये तो इसका हिंदी नेम हो गया भाई। नेक्स्ट के ये तो छोड़ दो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये क्या है पहले ध्यान से सुनो। एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम है ना भाई, ईआर जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है रफ ईआर, रफ ईआर, और एक होती है स्मूथ ईआर। इसी से क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों का, एक होती है स्मूथ ईआर यानी ये तो चिकनी चिकनी ईआर है, और ये है खुरदरी भाई, ये कैसी है, खुरदरी। अब ये खुरदरी कहां पे पाई जाती है, खुरदरी कहां पे पाई जाती है, ये पाई जाती है नियर न्यूक्लियस, और ये कहां पे पाई जाती है, नियर यानी किसके नजदीक है, सेल मेम्ब्रेन के नजदीक, सेल मेम्ब्रेन आप लोग समझ चुके कहां पे, सेल मेम्ब्रेन के नजदीक। और रफ ईआर में ही, रफ ईआर में ही क्या पाया जाता है, आप लोगों से यही क्वेश्चन आएगा, रफ ईआर में ही आप लोगों के दोस्तों राइबोसोम्स होते हैं, रफ ईआर में ही आप लोगों के ये जो राइबोसोम्स हमने स्मॉलेस्ट पार्ट पढ़ा था ना, ये कहां पे पाया जाता है, आप कहोगे ईआर के रफ वाले पार्ट में, खुरदरे वाले हिस्से में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स। और समूथ वाले पार्ट में क्या पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है, लिपिड का मतलब आप समझ चुके हैं वसा, वसा कोशिका झिल्ली होता है, ये सब समझ चुके हैं आप लोग मेरे ख्याल से। न्यूक्लियस को कहा जाता है केंद्रक, क्या कहा जाता है, केंद्रक। चले अब ध्यान से सुनो, राइबोसोम्स क्या करता था, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता, प्रोटीन बनाता है, ये फैट है ही। अब ध्यान से सुनो आप लोगों से क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, पहले यहां पे दिखा और देता हूं आप लोगों को, ये दिखाई देने में कैसी है, देखिए ध्यान से सुना भाई, ये है आप लोगों की सेल, ये क्या है आप लोगों की सेल। अब सेल के अंदर ये मैंने बनाया आप लोगों का न्यूक्लियस, क्या बनाया, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर देखो ये जो ईआर है, ये यहां से लेके इस प्रकार ये एक जाल है, पूरा का पूरा एक जाल है, इस प्रकार इससे जुड़ा रहता है, ये भी यहां से इसी प्रकार, और फिर इस प्रकार, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। अब आप ये बताओ न्यूक्लियस के पास जो ईआर है ना, जो जाल है, एक नेटवर्क है, नली है, ये नाली है, ये बहुत सारी टाइप की नली है, तो न्यूक्लियस के पास ये जो नली है ना, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है,
किस फॉर्म में है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब है बिल्कुल क्लोज, क्लोज है एक के पास, बिल्कुल क्लोज है। देखना यहां पे बिल्कुल फ्री स्पेस नहीं है, लेकिन जैसे ही आप लोग नियर द सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के पास देखते हैं, इनके बीच गैप आना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। समझ आया? तो स्मूथ ईआर कहां पे पाई जाती है? ये है स्मूथ ईआर, और इसके न्यूक्लियस के पास जो होती है इसको कहा जाता है रफ ईआर। और रफ ईआर, रफ ईआर में ही आप लोगों के, यहां पे ही आप लोगों के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन यही आता है कि कौन से प्रकार की ईआर है जो प्रोटीन का निर्माण करती है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तो रफ ईआर में राइबोसोम्स होते हैं, तो यहीं पे प्रोटीन बनता है। तो रफ ईआर यानी खुरदरी ईआर कहां पे पाई जाती है? नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास पाई जाती है। ये कॉम्प्लेक्स प्रकार की होती है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल टाइप की। समझ आया? जटिल क्यों है? क्योंकि ये बहुत आपस में नजदीक नजदीक है भाई, इसलिए। और ये थोड़ा सा काफी दूर दूर है, तो ये सिंपल टाइप की। तो स्मूथ ईआर को ऐसे ही सिंपल, सिंपल टाइप ऑफ ईआर कहा जाता है। समझ आया? तो ये था आप लोगों का एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, बस और कुछ नहीं इसमें से। इस यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा इस टाइप से आप लोगों का, कि कौन से टाइप की ईआर है जो प्रोटीन बनाती है, लिपिड कौन बनाती है, सेल मेम्ब्रेन के पास कौन सी टाइप की ईआर। ठीक है, चले अब ये ध्यान से देखना, यहीं से इन्हीं नलियों से न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर और बाहर चीजें आती जाती है इसी प्रकार, या आप कह सकते हैं ईआर ही इसकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन का और सेल मेम्ब्रेन का अच्छी प्रकार से निर्माण करता है। या इसको समझ लेना है तो छोड़ देना, ये टाइप आप लोग समझ लेना, यहां से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। ठीक है, चले चलो आगे चलते हैं भाई। ये पांचवा टाइप भी हमने पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम किस प्रकार है, क्या होता है, ये चीजें हमने देख ली भाई। ईआर क्या होता है? ठीक है, कौन सा टाइप का ईआर, यानी अंतःपरद्वी जालिका जो होती है, ये पूरा का पूरा जाल है, नेटवर्क है नालियों का। ठीक है, चले दोस्तों नेक्स्ट आ गया कौन सा, सिक्स, लाइसोसोम्स। अब ये लाइसोसोम्स क्या होता है, ध्यान से सुनो भाई। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनेगा इसको ना, सबसे पहले सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, सुसाइडल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कोशिका की आत्मघाती शैली, आत्मघाती, आत्मघाती थैली या थैला, आत्मघाती थैला किसको कहा जाता है? लाइसोसोम्स को। अब ये क्या है, ध्यान से सुनो भाई, सबसे पहले या इसी के कारण, इसी के कारण ब्लड कैंसर होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि ब्लड कैंसर तो डब्ल्यूबीसी के कारण होता था सर, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। देखो व्हाइट ब्लड सेल है, वो सेल है, सेल के अंदर के पार्ट है ये लाइसोसोम्स, तो सेल के अंदर तो ये है ना भाई लाइसोसोम्स, तो असल में लाइसोसोम्स होते हैं ब्लड कैंसर के लिए जिम्मेवार। समझ आया? एक बात ध्यान से सुनो, ये है आप लोगों का सेल के अंदर, मान लो लाइसोसोम्स, क्या है लाइसोसोम्स, ये एक प्रकार का बैग सा होता है, एक थैला होता है सेल के अंदर, और इस थैले के अंदर ना बहुत सारा क्या भरा हुआ है, एंजाइम्स भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स है, ये है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और इसका ये एसिडी की नेचर है भाई, एसिडी की नेचर है, यानी 4.5 के आसपास इसका नेचर है, अम्लीय प्रकृति का होता है ये जो एंजाइम्स होता है। इसका काम क्या है, अब ध्यान से सुनो भाई, लाइसोसोम्स का भाई, ये अगर सेल के अंदर कोई बाहर से वायरस आ गया या बैक्टीरिया आ गया अंदर, तो लाइसोसोम्स क्या करता है, लाइसोसोम्स ना ये क्या करेगा, इसके अंदर एंजाइम्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ये एंजाइम्स इतना ज्यादा बन जाता है, एंजाइम्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ये एंजाइम्स कैसा नेचर का होता है, एसिडिक, और ये उसके पास जाकर, वायरस के पास या बैक्टीरिया के पास जाके उसको क्या कर देता है, मार देता है, क्योंकि ये नेचर में कैसा है, एसिडिक, इतनी एसिडिक, इतनी अम्लीयता पे कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। तो ये लाइसोसोम्स ने क्या कर दिया, बाहर से आने वाले वायरस बैक्टीरिया को क्या कर दिया, मार दिया। लेकिन कई दफा क्या होता है, ये लाइसोसोम्स हमारी लार में भी पाया जाता है, सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना, सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है। हाँ भाई, सेकंड, मान लो जब कभी बहुत ही ज्यादा मात्रा में वायरस बैक्टीरिया आ जाए, तो क्या होगा, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में एंजाइम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, और फिर ये क्या करेगा, इनका स्राव सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये बहुत ही एसिडिक की नेचर है ही, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये क्या करता है, मान लो ये सेल है, सेल के अंदर ये है लाइसोसोम्स, तो ये लाइसोसोम्स बहुत बनना स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, इसके लाइसोसोम्स के बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर ये बाहर आ गए ना,
ये एंजाइम्स बाहर आ गए, सेल के बाहर आ गए, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह और राइबोसोम लाइसोसोम्स राइबोसोम्स जितने भी हैं इनको ही मारना स्टार्ट कर देते हैं, इन्हीं को किल करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स को किल कर देगा ये, तो ये सेल ही क्या हो जाएगी, आपस में ही सेल ही पूरी मर जाएगी भाई, सेल ही क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो इसलिए इसको सुसाइडल, यानी सेल ने खुद ही सुसाइड कर लिया। सेल के अंदर जो लाइसोसोम था, कई बार बहुत ज़्यादा वायरस बैक्टीरिया आने के कारण इसे बहुत ही ज़्यादा एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं और ये थैला फट जाता है। थैला फटने से ये लाइसोसोम्स के बाहर आते ही सेल के अन्य ऑर्गेनल्स को मारना स्टार्ट कर देता है। इनको मार देगा तो ये भी अपना काम करना बंद, और ये काम करना बंद कर देंगे तो उस पूरी सेल ही का क्या काम रहेगा, सेल ही क्या हो जाएगी, मर जाएगी। और इस प्रकार बहुत सारी सेल मरने के कारण जो सेल मर जाती है वो आपस में ना चिपक चिपक के इस प्रकार चिपक जाती है और एक गांठ का निर्माण कर लेती है, एक गांठ से बना लेती है, एक नोट बना लेती है। और इसी गांठ को ही हम क्या कहते हैं, ब्लड में अगर ये गांठ बनना स्टार्ट हो जाए ना, कई सारी सेल चिपक चिपक के, यानी ये WBC सेल आपस से चिपक जाती है सारी की सारी, तो इसी से क्या होगा, इसी से फिर उसी को क्या कहा जाता है, ब्लड कैंसर कहा जाता है। तो यही तो कहा था, ब्लड कैंसर WBC के कारण तो होता है, लेकिन WBC के अंदर कौन कर रहा है, ये लाइसोसोम्स कर रहा है भाई, ठीक है। तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा, मे बी आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया, ठीक है। तो यही था इसका काम भाई। चले लास्ट हमारा बचा लाइसोसोम्स के बाद लास्ट हमारा बचा है प्लास्टिड, जिसको लवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लवक दोस्तों, ठीक है। चले इसको और अच्छे से सीख लेते हैं, प्लास्टिड क्या होता है। चले लिखा मैंने प्लास्टिड भाई, प्लास्टिड यानी लवक। ध्यान से सुनना, ये ना केवल और केवल प्लांट में पाया जाता है। इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स, यानी भाई यह है केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है ये हमारे अंदर, हमारी सेल के अंदर नहीं पाया जाता। कौन, प्लास्टिड। समझ आया। चले नेक्स्ट, ध्यान से सुनना, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कलरिंग देना भाई, प्लांट को कलर देना। किसका काम होता है ये, कलरिंग पार्ट होता है प्लास्टिड। ध्यान से सुनो भाई, ये हमारे अंदर नहीं होता, मैंने कहा किसके अंदर होता है, पौधों के अंदर। और पौधों के अंदर क्या करता है, पौधों को कलर देता है। देखिए आपने देखे होंगे ना पौधे, लाल हरा गुलाबी अलग अलग तरह के फ्लावर्स देखे होंगे, तो पौधों के रंग अलग अलग टाइप के होते हैं। क्या आपने देखा है कोई काला, कोई बैंग, कोई भाई हरा, कोई नीला, कोई पीला, इस प्रकार का व्यक्ति देखा है, नहीं भाई। क्यों, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति होते ही नहीं, क्योंकि हमारी सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं होता। अगर प्लास्टिड हमारे शरीर के अंदर होता तो हम भी ऐसे पुकारते, ओ लीले ओ पीले, इसी प्रकार हम बोलते भाई। तो हमारे अंदर प्लास्टिड नहीं है, इस प्रकार हमारा कलर एक ही है, सबका एक जैसा है। आई होप आप सबको, आप सभी को समझ आ गया। चले अब ध्यान से सुनो, प्लास्टिड जो है तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। एक होता है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। समझ आया, तीन प्रकार का होता है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूको और क्रोमोप्लास्ट। ध्यान से सुनना भाई, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट ही कहेंगे, ठीक है, या पर्ण हरित कह दो आप लोग, पर्ण हरित, और ये पर्ण रहित। चले ध्यान से सुनो, पहले इनका मेन काम सुनो क्या होता है, मेन वर्क सुनो। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, सुना होगा आप लोगों ने क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है, ये एक तरीके का पिगमेंट है जो हरा कलर देता है। क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, क्लोरोफिल कैसे रंग का होता है, हरे रंग का, जो कि पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और इसी के कारण आप लोगों को पता है पौधे अपना खाना बनाते खुद फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान। और फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किस प्रकार होती है, ध्यान से सुनो, आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। पौधे एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, जमीन से पानी ले लेते हैं, और सूर्य से क्या ले लेते हैं, सनलाइट ले लेते हैं,
और फिर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल यानी हरे कलर की प्रेजेंस में, पत्तियों का रंग हरा होता है ना, तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस से क्या बना लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं भाई, यही तो खाना है उनका C6H12O6, ये क्या है उनका खाना है। और साथ में क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन हमारे लिए क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ध्यान से सुनो एक बार भाई, फोटो इसी को कहा जाता है, इसी को फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहा जाता है। ध्यान से सुनो, पौधों ने फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए चार चीज़ें चाहिए उसको, एक चीज़ है, दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरी चीज़ सनलाइट, चौथी चीज़ क्लोरोफिल। यानी इनमें से कोई चीज़ ना होगी ना तो पौधे अपने खाना नहीं बनाएंगे। तो भाई क्लोरोफिल की प्रेजेंस में पौधों ने क्या बनाया, अपना खाना बनाया। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन कहा जाता है, ध्यान से सुनो, किचन ऑफ द प्लांट, यानी किचन ऑफ द प्लांट। भाई खाना हमारा कहाँ पर बनता है, हमारी रसोई में बनता है। तो इनका खाना, पौधों का खाना क्लोरोप्लास्ट के कारण बना, क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल के कारण बना। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जितने भी हरे रंग के पौधे हैं ना, इसका मतलब उसमें किस टाइप का प्लास्टिड पाया जाता है, उसे पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट टाइप का, समझ आया। और दोस्तों इसके अलावा अगर सफेद कलर के, यानी कहने का मतलब ये रंगहीन होता है, रंगहीन जिन पौधों का कोई कलर नहीं, या आप कह सकते हैं जिन पौधों का सफेद कलर है ना, इसका मतलब समझ जाओ वो पौधे उसमें ल्यूकोप्लास्ट है, उसे क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। और इनके अलावा भाई, इनके अलावा लाल, पीला, नीला, किसी भी प्रकार का आप लोगों को फ्लावर नजर आए ना, कोई भी पौधा नजर आए, तो वो किसकी वजह से है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। जितने भी हरे रंग के पौधे हैं वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से, जितने भी भाई सफ़ेद कलर के हैं वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से, और जितने भी और अन्य कलर के, इनको छोड़कर जितने भी कलर्स के प्लांट बच गए ना, वो किसकी वजह से है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से है, समझ आया। जैसे कि आपसे पूछा जाता है भाई, कोई भी टमाटर होता है ना, टमाटर, टोमेटो, उसका, चले ये बाद में कराऊंगा आप लोगों को, छोड़ दो इसको, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ लिया भाई किसकी वजह से क्या है, कलर हमारा किसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया, यही है हमारा दोस्तों प्लास्टिड, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई इसमें। तो भाई ये था हमारा सेशन दोस्तों आज का, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, और ना समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अपना अगली क्लास से। और एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, सेल का ये है सेकंड पार्ट, सेल का भी तीसरा पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, सेल डिवीजन हम पढ़ने वाले हैं, कोशिका का विभाजन कैसे होता है, ठीक है। ये थे हमने जितने भी पढ़े पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में, ये था सेल ऑर्गेनल्स, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा सेल डिवीजन के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है, होप सो आप लोगों ने इंजॉय किया, तो मिलते हैं अपना अगली क्लास से, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।